भारत में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज होने लगी है। कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे देश में कोरोना संक्रमण की चौथी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,805 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 4 दिन के आंकड़े देखें तो इनमें लगातार इजाफा देखने को मिला है। इससे पहले 6 मई को 3,545, 5 मई को 3,275 और 4 मई को 3,205 नए कोरोना के मामले रिपोर्ट किए गए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में देश में इस संक्रमण से 22 लोगों ने जान भी गंवाई है, जबकि 3,168 मरीज ठीक होने में भी सफल रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर अब 20,303 पहुंच गई है, जिनका इलाज जारी है। देश में अब तक 5,24,024 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,25,54,416 लोग रिकवर होने में भी सफल रहे हैं। देश में अब रिकवरी रेट 98.74% है। राज्यों की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली में शुक्रवार को 1,656 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान किसी भी मरीज की कोविड-19 से मौत नहीं हुई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में राजधानी में 1,306 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। दिल्ली के बाद हरियाणा में सबसे ज़्यादा 582 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, या एक्टिव केस 2,581 पहुँच गए हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 205 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि कोई मौत नहीं हुई। मुंबई में दर्ज की गई पॉजिटिविटी रेट 1.3% है। मौजूदा समय में महाराष्ट्र में 1,161 सक्रिय मामले हैं। मध्य प्रदेश में भी शुक्रवार को 34 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 210 पहुंच गई। राजस्थान में बीते दिन 85 मामले रिपोर्ट किए गए। इसके साथ ही राज्य में 550 एक्टिव केस हैं, जबकि तीनों राज्यों में एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है। गुजरात में कोविड-19 के 14 नए मामले दर्ज किए गए, कोई मौत दर्ज नहीं हुई। राज्य में अब तक 118 एक्टिव केस हैं। इसके बाद राज्य में कोविड के मरीजों की संख्या 12,24,443 पहुंच गई है। कोरोना के खिलाफ देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान भी जारी है। अब तक देश भर में 1,90,94,982 वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं। बीते दिन देश में 17,49,063 वैक्सीन की डोज लगाई गईं।